başını. की आवाम की जो पुकार है आज वो पूरा बंगाल पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। जिस प्रकार निजाम भाई को 75 नंबर वार्ड की आवाम ने वोट दिया है, आगामी दिन में भी 2024 में भी हम लोग बीजेपी को ऐसे भगाएंगे बंगाल से। टाइगर जिंदा है। टाइगर नहीं, मेरा भी नाम शेर है। मेरा नाम है शेर मोहम्मद। सीपीएम का टाइगर सो गया है, टीएमसी का शेर जिंदा है। खेला होए गए चे। अभी तो फिलहाल खेला होए गए चे। कितना गोल मारे? अरे भैया 7000 वोट से हम लोग गोल मार रहे हैं। आगामी कल में भी इतना गोल मारेंगे कि मोदी जी भी आउट ऑफ स्टेशन हो जाएंगे, आउट ऑफ हिंदुस्तान हो जाएंगे। एक तरह से हिस्ट्री 75 नंबर वार्ड को लाल किला कहा जाता था, आज हम लोग ने उसे माँ मानो पीड़ा किला बना दिया है। रिकॉर्ड है 53 जो लाल किला का रिकॉर्ड टूटा 52 साल। जो लाल किला का गढ़ माना जाता था 75 नंबर वार्ड, उसे निजामुद्दीन शम्स ने और 75 नंबर वार्ड की तमाम आवाम ने उठा के हुगली नदी में विसर्जन कर दिया है और वो लाल किला ढह गया है। अब वो टीएमसी का किला बन गया है। 53 इयर्स का रिकॉर्ड ये ब्रेक हुआ है, निजामुद्दीन शम्स ने ब्रेक किया है और आपका जाके खेला खत्म हो गया है। पूरी यंगस्टर्स की टीम साथ में थी, सबको मुबारक। क्या कहेंगे? आपको भी मुबारकबाद, सभी आदमी को मुबारकबाद, सभी जनरेशन को मुबारकबाद। हमारा नया जनरेशन ये स्टार्ट हुआ 53 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक होके, खेला खत्म हो गया ये। आप बोल रहे हैं इतना भारी भरकम बॉल से गोल मारा गया है कि नेट में जो जाली लगा हुआ था वो भी नजर नहीं आ रहा है। इतना बेहतरीन गोल मारा, जाली छितला छित हो गया है। 75-78 दोनों जीत गया है। टीएमसी खाली इतिहास चेंज हो गया 75 नंबर वार्ड में।
इतिहास पूरा चेंज हो गया, सो गया है शेर, सो गया है अब शेर, सो गया ने जाग गया। क्या कहेंगे और क्या बताएं आपको, इतना खुश खुशी है हम लोग की जाहिर नहीं कर पा रहे। 51 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया, आप समझ रहे इतना बड़ा रिकॉर्ड हो गया, बहुत खुश है हम लोग। क्या भाई लोग खेला हो गए छे, आबार शुद्ध मेला होवे, जेखाने देखबे सेखाने मेला होवे। पूरा कलकत्ता में मां माटी मानुष का लहर है, पूरा कलकत्ता में आज पूरा कलकत्ता यही कह रहा है, ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मां माटी मानुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बॉबीदा का कितना बड़ा जीत है, बॉबीदा का तो सबसे बड़ा जीत है, जो काम बॉबीदा ने मेयर बनने के बाद किया, कलकत्ता की आवाम उसको अपने वोट के माध्यम से आज पूरा कोलकाता को दिखा दिया है कि बॉबी हकीम ने मेयर बनते हुए कितना अच्छा काम किया है। और हमारी ये डिमांड है, हम कोलकाता के निवासियों का ये डिमांड है, दोबारा मेयर हमारे लीडर फिराद हकीम साहब ही बने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे, एक जो खुशी का लहर हर तरफ दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं जबरदस्त भीड़, जबरदस्त खुशी का, उत्साह का जो ये माहौल है, क्या कहेंगे आज बहुत हम लोग को खुशी है कि हम लोग इसके बाद ममता दीदी का सरकार में, जो हम लोग 79 नंबर वार्ड से है, ममता दीदी का आशीर्वाद से रामदाई 11वां बार काउंसलर बने हैं, फिर हम लोग कोशिश करें आगामी समय में भी रामदा, इसके बाद हम लोग गोवा दखल कर रहे हैं। कह रहे थे बूढ़ा हो गए लेकिन शेर तो शेर है। हाँ शेर तो शेर है, रामदा टाइगर, टाइगर 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 जिंदा है, टाइगर जिंदा है। बॉबीदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बॉबीदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मां माटी मानू सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा विरोधी को एक ही मैसेज देने चाहते हैं कि चीर कर बहा दो लहू दुश्मनों का सीने का, चीर कर बहा दो लहू दुश्मनों का सीने का, यही तो मजा है राम प्यारे राम को काउंसलर बनाने का। चले चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ काफी सारे जो है भीड़ है, ये देखिए यहाँ भी समर्थक है। आसिफ भाई से पूछेंगे, आसिफ भाई कितनी खुशी है। नहीं नहीं आसिफ भाई आप बात बोलना पड़ेगा, मैडम मैडम का बहुत बड़ा सपोर्ट, क्या कहेंगे आसिफ भाई। हम लोग बहुत खुश है, मेरा साथ जितना कर्मी सब बहुत खुश है, पूरा खुश है, बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है। 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, और जो भरम था 75 नंबर वार्ड में सीपीएम का वो भी तोड़ दिया, अकेला बिल्किस बेगम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजाम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बॉबी हकीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 75 नंबर वार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यहाँ देख सकते हैं आप बॉबीदा, आराम से सकते हैं फिराद हकीम साहब की एंट्री हो चुकी है।
देखे देखे देखे। अरे भाई जाने दे, जा गाड़ी जाने दो, ए गाड़ी जाने दो दादा, एटा 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 एटा, अरे एटा जाने एटा एटा। चलो जी हां आमी तो पकुटा किसी का भागे फिलहाल आपको दोबारा लौटेगी द लोकल जर्नलिस्ट, आपको लाइव दिखा रही थी हर जगह से किस तरीके से जो है, क्या कहोगे राम प्यारे राम जिंदाबाद, राम प्यारे राम जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आज का दिन हम लोग एक त्यौहार सा हम लोग का दिन हुआ, आज देख सकते हैं कि हम लोग कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से फिर से टीएमसी का कब्जा हुआ, जैसे कि हम अभी देखिए हमारे मंत्री बॉबी हकीम ने भी यहां से गए, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद उनके उनको मेयर के रूप में देखेंगे। हम लोग 78 नंबर वार्ड से सोमा दास दोबारा मेयर के रूप में बॉबी दास दोबारा 100% इंशाल्लाह जरूर। आज बॉबी हकीम है तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन है, जितना उन्होंने काम किया है शायद ही कोई मंत्री उतना काम कर पाएगा। बॉबी हकीम जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, नियामुद्दीन साहब जिंदाबाद, सोमा दास जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद भाई क्या कहेंगे? आजाद भाई साहब कहेंगे भाई 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 जी भाई जी भाई जी यार बोलने का क्या, पूरा खेला खत्म हो गया, खेला शेष आ गया हम लोग का बोर्ड में टीएमसी फिर से 75 में इतिहास इतिहास कर दिया है। 75 का जमाना जब करवा दिया है, 51 साल का जो लालगढ़ जो था, लालगढ़ गंगा में चले गया, हाँ हिस्ट्री हिस्टोरिकल जीता है निजाम भाई, क्लियर भाई क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत, दरअसल हम लोग जीत पहले ही चुके थे, सिर्फ लीडिंग कौन कितना ज़्यादा ला रहा है ये देखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह 75 नंबर वार्ड से जो बॉबी हकीम का टारगेट था, निज़ाम 5000 ऊपर से लीड करेगा, और वहाँ के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देख के उस लीड को भी पार कर दिया है। बॉबी हकीम का जिंदाबाद, निज़ामुद्दीन सम जिंदाबाद, टीएमसी के तमाम जो काउंसिलर विन हुए हैं उसका भी जिंदाबाद। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज कलकत्ता को हरा रंग में रंग दिया गया है, और ये वोट जो है ममता बनर्जी का उन्नयन का वोट है, जनाब फिराद हकीम के डेवलपमेंट का वोट है, और इससे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग 75 नंबर वार्ड में एक इतिहास रचा 75 नंबर वार्ड में कि निजामुद्दीन शम्स के क्यादत में भारी से भारी मतों से हम लोग 75 नंबर जीते हैं, और ये जीत 75 नंबर वार्ड के आवाम की जीत है, तृणमूल कांग्रेस के हार्ड वर्किंग वर्कर्स की जीत है, और ये जीत निजामुद्दीन शम्स की जीत है। 75 नंबर वार्ड को अब नया डेवलपमेंट वार्ड बनाना है, और हम लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं कि निजामुद्दीन शम जैसे शख्सियत और लीडर हमारे दरमियान आकर खड़ा हुए, जिनको कामों से जाना जाता है, और हमारे जो बॉबी दा है जो हमारे एमएलए है उनकी जीत है ये। टाइगर जिंदा है? नहीं टाइगर अब जिंदा नहीं है, टाइगर साइबेरियन टाइगर, मैंने अपने भाषण में कहा था कि दीदी 500 रुपया लक्ष्मी भंडार दे रही है, चिड़िया खाना में जाइए और साइबेरियन टाइगर देख कर आइए, जितने भी टाइगर है सब चिड़िया खाना में है, और वही हम लोग जाके साइबेरियन टाइगर को देखेंगे। कलकत्ता में खेला होगी, अब 2024 में खेला हिंदुस्तान में होगा, ममता बनर्जी को हम लोग पीएम बनाकर। शुक्रिया बोलिए भाई क्या कहेंगे, आज तो बोलने का दिन है, आज बोलने का ही दिन है, हम लोग का 75 में पिछले 53 साल से कुछ नहीं हुआ, वो इतिहास ये 5 साल में बदल गया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है फिराद बॉबी हकीम, मोहम्मद सवाज आलम जो प्रेसिडेंट उसका बहुत बड़ा हाथ है, इस वार्ड में हम लोग का चेंज करने का सवाज यूथ प्रेसिडेंट जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए वो रोल आज हम लोग का मुकाम में ये दिन लाया। बहुत मेहनत है पिछले, आप सोचिए पिछले 53 बरस में जो नहीं हुआ, इस आवाज ये साल
यूथ प्रेसिडेंट हुआ, ये साल देखिए इतिहास चेंज हो गया, आप देख लीजिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। दादा 139 ना 71 की बोलबे जीचे जीतबो আমাদের পাপিয়া সিং 11 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস না বিষ্ণু আমাদের যুবনেতা আমরা বলবে যুবনেতা দাদা আমরা খুব খুশি যে আমাদের 71 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এই নিয়ে দুবার পর পর পাপিয়া সিং কে জেতালাম মমতা ব্যানার্জির হাত আরো শক্ত করব জয় বাংলা জয় বাংলা মমতা ব্যানার্জি জিতা পাঁচ জিতা পাঁচ পাপিয়া সিং জিতা পাঁচ জিতা পাঁচ आज हम लोग 75 का यूथ मुबारक हो मुबारक हो। क्या कहेंगे मने पूरा दुनिया कह रहा दीदी के बारे में, हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, हम लोग तो छोटा मोटा खेला तो होगा 75 में खेला हुआ। आज 75 नंबर वार्ड में यूथ प्रेसिडेंट आवाज भाई नहीं होते, आलम समीर भाई। आप सोचिए पिछले 53 बरस में जो नहीं हुआ ये साल में हो गया। आप सोचिए यूथ प्रेसिडेंट समाज कितना साल हुआ, 2 साल हुआ, आज देखिए ये रिजल्ट 21 हम लोग का चेंज हो गया। यूथ समाज का बहुत बड़ा रोल है, जो 50 साल में नहीं हुआ वो ये साल 2021 में हमारे भाई सवाल भाई करके दिखाए। जो ममता बनर्जी के जो आदेश था, बॉबिया किंग का जो निर्देश था, उस पर अमल करते हुए हमारे भाई ने निजामुद्दीन सब को जिता दिया। बोलने से कितना एनर्जी आता है, ये खेला होगा, अब खेला होगा तो ये स्लोगन एक ही एनर्जी एनर्जी है, ममता बनर्जी हमारी एनर्जी। हम लोग स्पोर्ट्स मैन है, हम लोग कोई नशा नहीं करते, ये खेला है, खेला खत्म किया दीदी, दीदी पूरा खेला खत्म कर दिया। अभिषेक बनर्जी बॉबीता का नेतृत्व में आज हम लोग पूरा सीट लिए, पूरा सीट लेके दिखा दिए है, अपोनेंट कहाँ पर है कोच के दिखाइए, अब पूरा खेला खत्म हो गया है। सबको ले लिए, सबको सबको, तमाम लोग ये देखिए, तमाम लोग विक्ट्री 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 देखा, विक्ट्री देखा ना, वो भी हकीम जिंदाबाद, खेला होवे खेला होवे, वो भी हकीम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दीदी खेला होवे प्रेसिडेंट हटाओ वार्ड बचाओ, आपके 79 नंबर का प्रेसिडेंट को हटाओ। আমরা বিধানসভার পর এই যে কর্পোরেশন ইলেকশন হলো, বিজেপি বলেছিল যে আবার কলকাতা বিজেপি আসবে 79 নম্বর ওয়ার্ডে। আমাদের এখানে টিএমসি এনটি অনেক লোক আছে, ইলেকশনের সময় সামনে নেই, জেতার পর সামনে আসছে, পেছনে অনেক লোক আছে। Oh!
সবার আগে এক নম্বরে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম বলিল, ববি রামদার নামটা আগে রাখ, ওর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু ওর মনের সাহস এখনো বয়স হয়নি। আজকে 79 নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে রামপ্যারা রামের জন্য আজকে 7,500 ভোটে লিড করেছে। এটা আমার এলাকার অনেক দায়িত্বশীল মানুষ আছে, ক্যান্ডিডেট হাতলে কর্মীদের হাসি হয়, এখন ক্যান্ডিডেট দিতে তাদের চোখে জল আসছে। আমাদের 79 ওয়ার্ডে নূর ভাইকে প্রেসিডেন্ট চাই আমরা। আমরা নূর ভাইকে প্রেসিডেন্ট চাই। আমাদের 79-এ রামদার হয়েছে, খেটেছে, ওটার নাম মুস্তাক ভাই নূর ভাইয়ের কারণে। और यहाँ हमारे वसीम अंसारी साहब के सब समर्थन है, क्या कहेंगे? वसीम साहब ने इतिहास रच दिया, ये आवाम का मोहब्बत है। सबसे पहले हम लोग आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने वसीम अंसारी के ऊपर भरोसा जताया और वार्ड नंबर 137 में गुंडा राज को खत्म किया और अपना टोलाबाजी कटमनी एक्सटॉर्शन को खत्म किया गया। क्या बोलेंगे भाई? हर बच्चा, हर मुरब्बी, हर औरत, हर मरद के दिल में एक ही बात बैठ गया था कि वसीम अंसारी को 135 नंबर वार्ड पे जिताया जाएगा। बहुत ही गुंडागिर्दी हुआ, हमें मारा गया, रात के 9 बजे मेरे ऊपर जुलूम हुआ, उसके बाद भी अल्लाह का रहम है, वसीम अंसारी 135 नंबर वार्ड पे जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 135 हमारी काउंसिलर हुई है रुबीना नाथ, अब देखिए कितना डेवलपमेंट का काम होगा वार्ड 135 में। इससे पहले भी हम लोग 5-7 साल पहले हम ही लोग इतना सारा डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन पे काम किया, 7 साल इन्होंने काम नहीं किया। 7 साल तो काम हुआ नहीं, 7 साल का चौसन हुआ है और वो डुप्लीकेट, इसलिए जनता ने परिवर्तन किया। कलील मियां भागता उड़ा रहे हैं, जब कलील मियां भागता आंटी भी चली गई, न्यूटन आंटी चली गई, अच्छा खासा फ्लैट जो 135 से 7 साल जो लूटा गया था, अच्छा खासा फ्लैट राजाहाट में लिया गया है। अब राजाहाट में वो है मटेरियल, उसे कोई लेना देना नहीं है, समझे ना। अब भागता वही कुट्टी उड़ाएंगे छत पे, भागता और जो हम आपको टीएलजे को सबसे अच्छा बोलना चाहते हैं, सब दर्शकों को टीएलजे के दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि जो एलिगेशन लाए थे टीएलजे के ऊपर में, आज जो गोदी मीडिया लेके घूर रहे थे उन लोग कि मारा ये मारा वो मारा, लेकिन तो टीएलजे ने क्या किया ये सब देखा है कि कितने पैसा दिया। अगर मीडिया को पैसा दे खरीद सकते तब तो फिर हमारा सर्वे में था 55% रुबीना नाथ के फेवर में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सर्वे सही था, एकदम सही था, क्योंकि आप लोग जनता से जुड़े, आप लोग सर्वे कर रहे थे, आप लोग जनता से जुड़े, जनता का रख कैसा है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मीडिया, मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है। इससे पहले आप लोगों से कभी मुलाकात हुई थी भाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिगेशन लगा रहे थे बहुत सारे, वही तो बोला, जीत वार्ड नंबर 135 के लोगों की जीत है भाई, उन लोगों की जीत है ये। कितना फ्रस्ट्रेटेड थे कि इंडिपेंडेंस को वोट दिए वो, और वो टीएमसी थे, टीएमसी में हम लोग शमूलियत करेंगे कल परसों में। ये टीएमसी का बहुत बड़ा सपोर्टर है।